बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ लुबना फ़ारूक। आज मैं आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करने आई हूँ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माय वर्क। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का पे रिव्यू है जो कि मैंने सोचा था, और जब भी मैंने किसी से एडवाइस ली तो उन्होंने बोला कि यार दफ़ा करो, क्या ज़रूरत है बोलने की, यू बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की एक इज़्ज़त है, और हमारे यहाँ ये अब चीज़ बन चुकी है कि व्हेन यू से समथिंग इन सोशल मीडिया तो आपका बड़ा ट्रोल शुरू हो जाता है, और आप किसी को एक बात कहें तो 10 बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो बिल्कुल आम लोगों की तरह मुझे लगा कि हाँ यार, अपनी इज्जत बचाने के लिए तो खामोश रहना चाहिए, दफ़ा करो, जो हो रहा है अल्लाह ताला पूछ लेंगे जिसने भी गलत किया होगा। तो मैं खामोशी थी, लेकिन आज जो नादिया ख़ान का चैनल है आउट स्टाइल, उन पर और उनके ब्रांड न्यू हस्बैंड का जो इंटरव्यू आया, उसके बाद मुझे बहुत अंदर से यू नो फीलिंग आई कि भाई टू मच हो गया, और ये तो बड़ा मिसलीड कर रहे हैं, और ये तो करे जा रहे हैं। चलो यार, शादी की वीडियो आई, ठीक है, मॉर्निंग शो पे नादिया खान जो कह रही हैं, ठीक है, फैसल साहब जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चलने दो, इनकी खुशी है, खुशी मनाए। लेकिन जो आज की वीडियो आई है उस पर मुझे काफ़ी यू नो एतराज़ है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ, मैं फैसल राव की सेकेंड वाइफ थी, नादिया खान इज़ द थर्ड वाइफ ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता कितनी वाइफ हैं उनकी, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन क्लेम कर चुकी हैं उनकी वाइफ होने का, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आई वॉज द सेकेंड एंड नादिया खान इज़ द थर्ड। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी मज़लूम आप लोगों के सामने शो ना कराऊँ, क्योंकि मैं यहाँ अपनी दास्तान सुनाने के लिए और आपसे किसी किस्म की सिंपति लेने के लिए नहीं आई, क्यों आई एम अ पर्सन who is really really not into उन्हें शेयर करने नहीं आई। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए आई हूँ, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हूँ, और यू नो हमारे यहाँ अब एक बहुत ट्रेंड बन गया है अजीब से, मुझे तो छोड़ दें। तो जी, बहरीन शिफ्ट हो गई, बहरीन शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद जॉब स्टार्ट की, और वहाँ पर कुछ ऐसा सिलसिला हो गया कि आई हैड टू टेक सेपरेशन फ्रॉम माई फर्स्ट हस्बैंड, और उसके बाद मैं जॉब करती रही और अपने बेटे को लुक आफ्टर करती रही, मैं और मेरा बेटा रहते थे। तो फैसल साहब से मेरी मुलाकात हुई मेरी सेपरेशन के कुछ 3 साल के बाद, और इन्होंने जिस तरह से इन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस किया है कि फ़ौरन इन्होंने मिलते ही नादिया खान को प्रपोज़ कर दिया, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था कि इन्होंने फ़ौरन प्रपोज़ कर दिया था, और अपनी अम्मी से मेरी बात करा दी थी, और मैं इम्प्रेस टोटल फुल टाइम। मैंने कहा यार ये क्या आला आदमी, कि एक तो आर्मी बैकग्राउंड से थे क्योंकि मेरे वालिद भी थे, तो वो एक हमेशा से इंस्पिरेशन रहे आर्मी वाले के, कि बड़े अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, और दूसरा ये बंदा कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा और अपनी वालदा से बात करा दिया, यार कमाल आदमी है। और इनकी वालदा ने और इनके साथ जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि इनकी कितनी ख़राब थी, जो कि आई एम श्योर नादिया खान को बताया होगा कि इनकी दूसरी बीवी कितनी ख़राब थी, तो यू नो बीवियाँ तो ख़राब ही होती हैं ज़ाहिर है। तो जी मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई वॉज़ वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरीन, मैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करी थी एज अ इन हाउस इन प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं उनके सारे पैलेसेस के जितने भी इंटीरियर्स थे आई वॉज़ लुकिंग आफ्टर दैम। तो फैसल साहब बड़े इंप्रेस थे मुझसे, और उन्होंने कहा जी बस शादी करते हैं, और मेरी मत मारी गई थी। अब सब लोग कहते हैं तुम्हें किसने कहा था लड़की कि सब कुछ छोड़ो, अपनी इतनी अच्छा करियर, यू नो जो लोग मेरी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ सकते हैं कि आई वर्कड इन बहरीन 7 ईयर्स। और मैंने सोचा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ यू मस्ट गेट मैरिड, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी आपके पास यू नो नाम हो, शोहरत हो, इवेंचुअली यू नो यू आर रिकग्नाइज्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग बिसाइड यू, जो कि नादिया खान का भी यही रीज़न है शादी करने का। तो मैं बड़ा रिलेट करती हूँ नादिया खान के साथ अपने आप को, और इस वजह से कभी कुछ बुरा ही नहीं फील हो रहा, बल्कि मुझे तो उस पर प्यार ही आ रहा होता देख के कि यार इसकी भी वाट लग गई। तो हुआ ये कि मैं बहरीन में थी, और ऑब्वियसली जब प्रपोज़ल आया और हमारी तरफ से हाँ हुई तो मुझे आना ही था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज़ वर्किंग इन UAE दुबई। आराम से स्मूदली इनकी फैमिली हमारे घर में आई, आप पिक्चर्स देख सकते हैं,
बड़ा फनी एक्सपीरियंस है कि आज जो आउटस्टाइल में पिक्चर लगाई है फैसल ने अपनी, वो मेरे और उनकी रिसेप्शन की पिक्चर है. मुझे काट दिया यार, कमाल है. ये कोई बात होती है? खैर, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरी इनसे शादी होती है 8th June 2019 पाकिस्तान में. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपने ऑफिस में जाहिर है नोटिस देना था और वो नोटिस पीरियड सर्व करना था एंड ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन. एंड आफ्टर दैट मैं दुबई आती हूँ 16th August 2019 को. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होना शुरू हुई. क्या हो रहा था उसको गोली मारें, वो इतना कंसर्न नहीं कर लेते थे. छोटी छोटी बातों पे घर की चीज़ें तोड़ते थे एंड ऑल दैट इश्यूज़. बट वो भी मैं कहती हूँ मेरी गलती होती होगी जो करते थे ये मेरे साथ. मैं ही कुछ ऐसा करती होंगी कि ये इस तरह की चीज़ें करते थे. और समटाइम्स जब इनका बहुत ही यू नो टेम्पर हाई हो जाता था तो ही स्टार्टेड यू नो सेल्फ टॉर्चरिंग करने लग जाते थे, जिस पे आके मैं कहती थी एक महीना चीज़ें ठीक नहीं हैं. और उसके बाद से आहिस्ता 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 इशू स्टार्ट हो गए. दिसंबर तक चीज़ें ज़रा मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी कोप अप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे. रिगार्डलेस मैं ही ख़राब होंगी, आप ये सोचें कि मैं ही ख़राब हूँ. क्या हुआ वो बोलूँगी तो कहानी जो है ना मसला बन जाए. लेकिन एनीवेज दिसंबर में हम जाते हैं उमरे पे, और उमरे पे फेस कर रही थी उनकी एक्स वाइफ के मुझे मैसेज आते हैं. अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. जब मैंने फैजल से शादी का डिसीजन लिया था तो दो दिन पहले मुझे शमा जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उनके मैसेज आए. उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, बहुत डांटा और बड़ा ही जलील किया. और उस वक्त तो मैं बड़ा डर भी गई. आई रिमेम्बर कि मैं पाकिस्तान में थी, दो दिन बाद मेरा निकाह था और मैं सिफायर मॉल गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए. और वहाँ पे उनके मैसेज आ गए और आई वाज शिवरिंग एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ. बड़ा कुछ कहा. तो जो फैसल ने मुझे कहानियाँ बताई थी उनके बारे में, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही है यार, ये तो बड़ी सख्त खातून है और ये इतना डांट रही है बगैर इसके जाने के. यार अब डाइवोर्स हुई है तो शादी तो होएगी किसी ना किसी से, और मेरी क्या गलती है मेरी. एनीवेज दोबारा मैसेजेस आए. शायद हानी ने डिस्कस किया होगा शमा से कि क्या हो रहा था और शमा को कुछ चीज़ें पता चली होंगी. और फिर शमा ने मुझको कुछ वॉइस मैसेजेस भेजे, जिसमें से एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. इसकी फितरत में औरत को अजियत देना है, जलील करना है. ये करेगा ना उसके बाद तुम्हें सर पे चढ़ाएगा, तुम्हें दुबई मॉल ले जाएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन मेक श्योर करेगा कि ये तुम्हें एक डोज जरूर दे. ये सब मैं सह चुकी हूँ लुबना. अब मेरी और इसकी लड़ाई कोर्ट में, उसमें भी मैं इसकी इज्जत को खराब नहीं कर रही. मैं सिर्फ अपने हक पे लड़ी हूँ कि जो इसने मेरे नाम किया था वो मेरा हक है. और यकीन जानो वो मैं वहां जब वो मैसेजेस मुझे मिले हैं तो मुझे लगा कि यार ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ये बोल रही है ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है. और क्यों हो रहा है? अगर ये गलत थी और ये खराब थी तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आई क्वेश्चन्ड फैसल साहब और उनके पास जवाब नहीं थे बहुत सी बातों के. और चीज़ें यू नो और डिफ़िकल्ट हो रही नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने ही सेपरेटेड रूम्स विद मी. और जब से मेरी शादी हुई थी और जब से मैं अलैन गई थी इनके पास, ही जस्ट कन्फाइंड मी इन वन हाउस. ही नेवर लेट मी मीट एनी वन. और इतना इन्होंने मेरे साथ ये किया था कि मैंने अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दी थी. क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता तो ये मुझे कहते कि यार मुझे वो औरतें अच्छी नहीं लगती जो हर वक्त अपनी फैमिली से बात करती रहती हैं और फैमिली वाले उनको पट्टियाँ पढ़ाते. यू आर डाइवोर्सिंग मी. और फिर अगर डाइवोर्स दे रहे हो तो सही तरीके से दो. इस तरीके से गलत बयानी करके फॉर्ज प्ले करके मत करो, क्योंकि इनकी एक्स वाइफ ने भी इनके ऊपर फॉर्ज सिग्नेचर्स के केस किए हुए थे, जो कि इन्होंने खैर मुझे यही प्रूव कर दिया कि वो तो एक ख़राब औरत है, देखो वो कितना चीखती है, ये करती है वो करती है और ये झूठ बोल रही है. लेकिन जब मेरे पास वही फॉर्ज साइन मेरे कज़न के आते हैं डाइवोर्स पेपर पे, तो मुझे लगा कि शमा तो सही थी. फिर खैर उसको साथ क्या स्टोरी हुई कि उसने अपने 3 केसेस किए हुए थे, वो केसेस वापस ले लिए फैसल से और फैसल ने यहाँ पे मुझे डाइवोर्स दे दी. और उस वक्त फैसल को यूएई एयरफोर्स ने फायर कर दिया था, तो ये बड़ा रोते थे धोते थे और कहते थे कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे डाइवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट है ना. और जाहिर है इनको कॉम्पनसेशन देनी थी डाइवोर्स की, इनको इद्दत की कॉम्पनसेशन देनी थी, विच ही डिडंट वॉन्ट टू गिव. सो ही रिक्वेस्टेड मी कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, मैंने हानि को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है लुबना, तो प्लीज़ मुझे तुम इतना अलाउ कर दो कि मैं तुम्हें पाकिस्तान से डाइवोर्स कर दूँ. तो ख़वातीनो हज़रात, आप
जहाँ पर ये मेरे पास तुम हो की स्टोरीज देखते हैं, हमारी रियल लाइफ में हमारी जैसी औरतें हैं जो कि बड़े आराम से बेवकूफ़ बनती हैं। तो मैंने इनको कहा ठीक है, आप इतने हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और ऑब्वियसली आपने अमेरिका भेजना है हानि को पढ़ने के लिए, तो आप मुझे पाकिस्तान से डाइवोर्स दे दें। और इन्होंने बड़े आराम से मुझे डाइवोर्स दे दी पाकिस्तान से। मेरी डाइवोर्स फाइनल होती है अक्टूबर 2020 में, और अक्टूबर में इफ़ यू सी नादिया खान के हाथ में आपको एंगेजमेंट की रिंग नज़र आती है, आप उनके मॉर्निंग शोज में जाइए और देखिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कैसे हो गया कि विद इन अ वन मंथ इंगेजमेंट भी हो जाती है, दिसंबर में शादी भी हो जाती है, और इतना बड़ा फ्लूक आपने अपनी वीडियो में मारा है कि आप 4 महीने में मिले। ये 4 महीने की कहानी तो नहीं है ना सर। खैर, मैं हमेशा से कहती हूँ ठीक है, आपने जो भी किया मेरे साथ क्षमा के साथ, दैट इज़ अनदर स्टोरी, एंड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस फैसल साहब के पास बिल्कुल पूरा का पूरा चांस है एंड राइट है टू मेक हिज करेक्शंस। बट भाई देखें, आप आइकॉन नहीं हैं और आइकॉन मत बने। मैंने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बोला, मैंने अपनी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे इस वक्त नाराज़ हैं, क्योंकि जब ये मीडिया पे चीज़ डिस्क्लोज हुई तो एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी कि ये कब हुआ, कैसे हुआ तुम्हारे साथ, एंड आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं कहना था तब, और मैंने चाहती भी नहीं थी कुछ कहना, क्योंकि समटाइम्स आप कुछ नहीं बोलना चाहते और जो हो रहा होता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि फ़ायदा ही नहीं है बोलने का। और यहाँ पे मैं अपने उन तमाम लोगों को जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, समटाइम्स प्लीज़ व्हेन समबडी इज़ नॉट स्पीकिंग एंड यू नो ट्राइंग टू कीप थिंग्स, तो मैं समझती हूँ कि आपकी मोहब्बत होती है, आप उस तकलीफ को बाहर निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स गुड टू गिव देम अ टाइम। आज इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, ही हैज़ डिस्ट्रॉयड 2 women's lives। हम 2 ख़वातीन बैठी हैं विद द सेम एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंसेस विद फैसल, और हम ये दुआ करें कि ये नादिया खान के साथ वो सब कुछ ना करें। और आपको बिल्कुल चांस दिया जा रहा है फैसल साहब, तीसरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी बनाने का हर बंदे को है, लेकिन आप हीरो नहीं हैं। और देख लीजिए, मैं रोई नहीं हूँ और ना ही मैंने आप लोगों को किसी भी तरीके से अपने इमोशंस के साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो हैव अ गुड लाइफ।